दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको सिखाएंगे कि टैली में आप कैसे एक नया कंपनी को या ऑलरेडी जो कंपनी क्रिएट हुआ है टैली में, तो उसको आप कैसे मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको हर बार की तरह आपको मेरे तेरे चैनल पे स्वागत है, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और नीचे दबाए हुए बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है, क्योंकि हमारे हर एक नोटिफिकेशन को आपको टाइम टू टाइम मिलता ही रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे टैली ओपन हुआ है यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो गेटवे ऐप टेलीफोन के ऑप्शन है, तो यहाँ पे आके आपको ऑल्ट एफ थ्री दबाना होगा, ठीक है। क्या दबाना होगा कि ऑल्ट एफ थ्री। देखिए हम यहाँ पे ऑल्ट एफ थ्री जैसे ही दबाते हैं तो हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक बॉक्स ओपन हुआ कि कंपनी इंफॉर्मेशन बोल के बॉक्स ओपन हुआ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑल्टर पे आना होगा, ठीक है। ऑल्टर में जब हम आएंगे तो देखिए हम फिर एंटर 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 दबा के आपको ओपन करना होगा फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी भी फील्ड को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखिए सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर नहीं डाला, तो आप मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। और ईमेल आईडी आपके पास है तो आप ईमेल आईडी भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप सभी ऑप्शन यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ईमेल आईडी एक डाल देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे कंपनी को मॉडिफाई कर, ठीक है। तो अब मैं जब यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो देखिए मेरा ऑलरेडी सेव हो गया, ठीक है। मेरा कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे हमने जो मोबाइल नंबर डाले थे वो भी है और ईमेल आईडी जो यहाँ पे डाले थे वो भी है, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि इस कंपनी को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने के पहले आपको यहाँ से बैकअप लेना होगा, ठीक है। बैकअप आप जरूर ले लेना, ठीक है। देखिए बैकअप हम कैसे लेते हैं, हम यहाँ पे एस्केप बटन दबा के बैक कर जाते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे बैक करने के बाद हमें को कहाँ पे आना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमको ऑल्ट एफ वन दबाना होगा, ठीक है। ऑल्ट एफ वन जब हमने यहाँ पे दबाया तो देखिए हमारे यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन आ गया, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे हम बैकअप लेंगे, ठीक है। देखिए अब हम टैली को मिनिमाइज कर लेते, ठीक है। मिनिमाइज कर लिया, अब हम डेस्कटॉप पे एक कंपनी एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम दिया हमने यहाँ पे बैकअप। अब हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये जो फोल्डर का पाथ है तो इस पाथ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक कॉपी, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबा के भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी कर लिया, अब हम टैली में चलते हैं। टैली में आ गया तो बैकअप, बैकअप के पे जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है आपको सोर्स पे जो यहाँ पे पाथ है सोर्स का यही रहने दीजिए, और जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। कैसे आप पेस्ट करोगे कि कीबोर्ड से आपको ऑल्ट कंट्रोल भी, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, पेस्ट करने का शॉर्टकट है ऑल्ट
कंट्रोल भी, तो हम जैसे ही आपको ऑल्ट कंट्रोल भी यहाँ पे दबा देते हैं तो हमारा पेस्ट हो गया बैकअप का पाथ। ठीक है, तो देखिए देखिए अब हमारे यहाँ पे बहुत सारा कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो हम उसी जिस कंपनी का हमने मॉडिफाई किया वही कंपनी को हम डिलीट कर सकते हो, या आप किसी भी कंपनी को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सपोज मेरा जो कंपनी था उसका नाम था रुचिमा फूड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस कंपनी को सिलेक्ट किया और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। तो देखिए हमारा बैकअप चला गया, कहाँ से बैकअप गया, अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, फिर देखें कि यहाँ पे जो बैकअप का जो फोल्डर है उसके अंदर ये बैकअप चला गया, ये देखिए। तो अब क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सेम तरीका, कीबोर्ड से ऑल्ट F3, हाँ ऑल्ट F3 दबाना होगा। ठीक है, वो कहाँ पे जाने के बाद के आपको बैक करके गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद जाना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लिया था, अब जो कंपनी हमको डिलीट करना है तो कंपनी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें ये देखिए गेटवे ऑफ टैली का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके बाद हमको क्या करना होगा, ऑल्ट F3 दबाना होगा, ऑल्ट F3। ठीक है, इसके बाद ऑल्टर पे आने के बाद हमें एंटर करना होगा, फिर एंटर करना होगा। तो अब हम कैसे डिलीट करेंगे इसको, ऑल्ट D। ठीक है, ऑल्ट D, जब हम डालेंगे यहाँ पे ऑल्ट D तो देखिए हमारा डिलीट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अब डिलीट करोगे या नहीं करोगे, तो हम यहाँ पे जब भी एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा कंपनी ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा, या आप माउस से यस बटन भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं एंटर करके। देखिए आर यू श्योर, आप क्या इस कंपनी को डिलीट कर सकते हो, यस और नो, जी हाँ हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से माउस से ही हम यहाँ पे यस प्रेस कर सकते हैं, या कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा अब जब हम सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट कंपनी के पे जाने के बाद हमें यहाँ पे हम सर्च करेंगे रुचिमा फूड प्रोडक्ट। देखिए हमारा यहाँ पे रुचिमा फूड प्रोडक्ट नहीं है, अब फिर से हम इसको रिस्टोर करके दिखाएंगे कैसे वो। देखिए फिर से हम यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करने के बाद रिस्टोर, ये देखिए रिस्टोर का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे रिस्टोर। अब क्या करेंगे, हमारा जो पाथ है फोल्डर का सेम उसी तरह से हमको ये फोल्डर का पाथ कॉपी करना होगा। तो कॉपी करने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से टैली में आके यहाँ पे जो सोर्स है रिस्टोर का, जो डेस्टिनेशन है उसको ठीक रहने दीजिए। ठीक है, उसको कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आपको सोर्स का पाथ चेंज करना होगा। हमने यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल भी क्या दबाना होगा, पेस्ट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल भी, तो हमने ऑल्ट कंट्रोल भी दबा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो फोल्डर का पाथ है। आप क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे और कंपनी का नाम सेव करेंगे कि कौन सी कंपनी हम यहाँ पे रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कंपनी आ गया हमारा। ठीक है, तो इस कंपनी को हम रिस्टोर कर देंगे इंटर। आप क्या करेंगे, फिर से इंटर, आर यू श्योर, यस एक्सेप्ट कर लीजिए, तो कंपनी आपका रिस्टोर हो जाएगा। अब कैसे आप चेक करोगे, जब भी आप सिलेक्ट कंपनी पे जाओगे तो सिलेक्ट कंपनी पे जाने के बाद यहाँ पे जो नेम है इस नेम पे आप सर्च कर लोगे। देखिए मैं फिर से यहाँ पे रुचिमा फूड प्रोडक्ट लिखता हूँ, रुचिमा फूड प्रोडक्ट, तो देखिए मेरा ये कंपनी आ गया। तो इसी तरह से आप टैली में किसी भी कंपनी को मॉडिफाई, डिलीट या बैकअप या रिस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास सेशन इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाना। ठीक है, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन को आपको टाइम टू टाइम मिलता ही रहे। थैंक यू।